कौन से? जो रोड पे चलते हुए देखते हैं, रात को सोते हुए देखते हैं वो? अरे वो चीज जो मार्केट में आपने देखी है, आपको जिसने प्रभावित कर दिया और आपको लगा कि यार ये चाहिए, ऐसा बनना है, ऐसा बोलना है, ऐसा पहनना है, ये मुझे चाहिए, लेकिन जब आपने पीछे देखा तो आपकी स्थिति नहीं है उसको लेने की। अरे वही आपका सपना है, क्योंकि इस समय आपके पास सेफ सोप है, उस समय सेफ सोप नहीं होगी, वही है ड्रीम। लेकिन इसके लिए एक बात है कि सपना जो होता है वो कभी ख्वाब जो हो पूरा नहीं होता, वो पूरा जो होता है वो होता है गोल। और जब ड्रीम है उसको गोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है? एक्शन लगता है। क्या लगता है? एक्शन लगता है। जितने भी गोल हमारा, जितने भी हमारे ख्वाब हैं, जितने भी हमारे ड्रीम हैं, उनको अगर गोल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उनके साथ आप एक्शन लगा दीजिएगा, वो ड्रीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कभी सपना पूरा नहीं होता, हमेशा गोल लक्ष्य पूरा होता है। यस या नो? यस या नो? लक्ष्य पूरा होता है हमेशा। जो भी आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, शुरू से मैं लगातार मोटिवेट क्यों रहा? क्योंकि मेरे पास लगातार मेरे ड्रीम थे, मैं चाहता था, मैंने यहां जिंदगी देख ली थी कि ऐसी जिंदगी बन सकती है यहां, मैंने यहां मेरे अप्लायंस की जिंदगी देख ली थी कि ऐसी जिंदगी मिलेगी मुझे यहां। क्योंकि 9.5 साल पहले जब मैं यहां आया था तब तो मेरे पास कुछ नहीं था भाई, मेरे परिवार में 6 फिगर पूरे साल में कोई नहीं कमा पाता था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से पर वीक आता है। थैंक यू। पुश्तैनी मकान को मॉडिफाई कर करके जिंदगी निकाल रहे थे, उससे 5 स्टार कैटेगरी के मकान में पहुंचा दिया। ये सीधे हुए हैं या सबसे पहले इनका गोल लगा होगा? सरकारी स्कूल में बड़े पढ़े हम, गोल लगाया कि बच्चे ऐसा स्कूल में नहीं पढ़ाने हैं, आज बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं। नानी मामा के छुट्टी बिताने वाले लोग, कभी नहीं सोचा था वहां से जिंदगी विदेश यात्रा गोवा शिमला में बदल गई। सोचा होगा, गोल लगाया होगा तो ही बदली है, या मैं तो बैठा था अचानक हो गया? नहीं, अचानक कुछ नहीं होता, हर काम के पीछे कोई ना कोई योजना होती है, कोई ना कोई तैयारी होती है। अरे कभी नहीं सोचा था हमने यार इनका नाम लेंगे, हमारा नाम इनके साथ जुड़ेगा। देखिए सफर लगातार गोल लगाते गए, और ये भी लास्ट नहीं है यार, बड़ी बड़ी और बन रही है अभी। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब है, ये जितने भी गोल मैंने बनाए छोटे से लेके बड़े, सब मेरे पूरे किए, लेकिन ड्रीम जितने थे पूरे हुए, लेकिन ये ड्रीम पूरे क्यों हुए? क्योंकि इनके साथ मैंने अपना एक्शन जोड़ा, और एक्शन जुड़ने के बाद ये गोल बने, और गोल देर है अंधेर नहीं, थोड़ा देर हो जाएगा लेकिन पूरा होगा। अगर आपका गोल क्लियर कट है तो, आपके सामने है तो, आपने उसके साथ शिद्दत और ईमानदारी से मेहनत लगा रखी है तो, एक्शन लगा रखा है तो। जरूरी क्यों है? क्योंकि मुझे बताइए गोल क्यों जरूरी है? दुनिया में छोटे छोटे काम जितने हम करते हैं, हमारे हर काम का नक्शा तैयार होता है। यस या नो? हर काम का देखिए, जिन जिन चीजों का, जिन मकानों का नक्शा तैयार नहीं था, मेरे बापू ने बनाया है, 1 बीघा में मकान बना रखा है मेरे पिताजी ने, 10 आदमी आ जाए तो रुक नहीं सकते, इस हिसाब से बना रखे। क्यों? कोई नक्शा नहीं है ना। एक मकान खड़ा किया, उसका थोड़ा कॉर्नर निकल गया, दूसरा बोला यहां बाथरूम ठोक देते हैं, उसका कॉर्नर निकल गया, एक यहां रूम फिर ठोक देते हैं, उसका कॉर्नर निकल गया, बोला यहां किचन बना देते हैं, कोई नक्शा नहीं। बेडरूम वाले को खुशबू बाथरूम की आ रही है, किचन वाले को पता नहीं किसकी आ रही है, कुछ पता ही नहीं, नक्शा ही नहीं है। और जिनका नक्शा होता है, आप देखिए साला 10 मंजिल की बिल्डिंग बना देता है, आप एक बिल्डिंग का एक कॉर्नर 1 इंच तो बता दीजिए, ज्यादा नक्शा होता है, इसलिए वो 1,550-1,600 square feet में कितने लोगों को बसा देते हैं। क्या तैयार होता है? पहले प्लॉट कटता है, नक्शा तैयार होता है। सोच के देखिए, 1 बीघा में एक व्यक्ति प्लॉट काटना चाहता है, मैं गया बोला भाई साहब इस कॉर्नर पे आप ले लो, दूसरा भाई साहब आया बोला इसके पीछे तू ले ले, इसके पीछे सारे में प्लॉट उनके साथ साथ काट दिए, बाद में पता चल रहा है बोला यार वो बीच वाला जाएगा कहां के नहीं? रास्ता तो है ही नहीं, बोला एक की छत पे चढ़ना दूसरे पे कूदना, नक्शा नहीं है। फुटबॉल टीम चकते इंडिया में शाहरुख खान ने मोटिवेट तो कर दिया होता,
ये 70 मिनट, ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये 70 मिनट हमेशा तुम्हें याद रहेंगे, तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। और वो टीम मोटिवेट होकर सोच के देखिए चली जाती फील्ड में, और चली गई, और वो लगातार लग रहे हैं। वो चाहते थे हम 100 गोल करें, एक भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं था। शाहरुख खान के मोटिवेट करने का फायदा कब मिला? तब उनको फील्ड में जाने के बाद गोल पोस्ट मिला। मोटिवेट तो हो गए 90%, लेकिन हमारे पास गोल पोस्ट नहीं है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गोल पोस्ट होना जरूरी है। मारते रहो, कुछ नहीं होगा। ट्रेन की यात्रा करते हैं हम, तय होता है सारी चीजें, या स्टेशन पर जाके जो दिखी उसी में चढ़ लिए हैं? तय होता है कितनी बजे कब शुरू होगी, कितनी बजे पहुंचेगी, कौन सी ट्रेन है, क्या है, सब प्लान होता है। अरे ये छोटे छोटे ऑर्डिनरी काम हमारे तय हैं, हमारी जिंदगी का नक्शा हमारे पास नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, सोच के देखिए आप। हर चीज का नक्शा है, जिंदगी का नक्शा नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज बनाइए। ये जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। गोल क्यों जरूरी है? सेल्फ मोटिवेशन के लिए गोल जरूरी है। घर से निकलने में मदद करता है। मैं देखता हूं जो लोग घर से लेट निकलते हैं, इसका मतलब गोल नहीं है। ये घर से निकलने में मदद करता है, क्योंकि नौकरी वाला इसलिए निकलता है, बॉस का डर है, नौकरी चले जाने का डर है, तनख्वाह नहीं मिलने का डर है। दुकान वाला इसलिए खोलता है कि यार सबसे पहले जाकर अगरबत्ती लगाऊं, सामने वाले ने लगा दी तेरे से पहले, तेरी बुझ जाएगी, इसलिए खोलता है। हमारे पास क्या है घर से निकलने का बाबा? हमारे पास क्या है? गोल होना चाहिए। ये है टाइगर जो पीछे से उठाता है, अबे नहीं निकलेगा ना तो BMW नहीं आएगी, नहीं निकलेगा ना तो कार नहीं आएगी, नहीं निकलेगा ना तो लोग बोलेंगे कि वाह आया था करोड़पति बनने, बन गया। वो निकालता है घर, फियर ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं जिसको। मेहनत करवाता है गोल हमसे, जो नहीं करते उनके पास नहीं है। पॉजिटिव और खुश रखता है गोल हमें, और विदाउट गोल जिनके पास गोल नहीं है उनका बताऊं, बार बार नेगेटिव होंगे। समझ लो गोल नहीं है। अपलाइन पॉजिटिव करके आएगा, कब खबर आ जाए उस बेचारे की कोई नहीं पता, कि सर आप आए थे एक आदमी के पास बोला आए थे, वो फिर हो गया सर। क्यों? गोल नहीं है। 5 लोगों के मना करते ही बिजनेस छोड़ देगा। क्यों? गोल नहीं है। अरे जिसके पास गोल है ये आसान है 5 लोगों को मना करते बिजनेस छोड़ना, लेकिन जिनके पास गोल है इसका भी दूसरा एक और आसान रास्ता है, छठवे के पास जाना। छठवे के पास जाना, घर से नहीं निकलते गोल नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं आते जो लोग गोल नहीं है, काम करते करते रुक जाते हैं गोल नहीं है, खत्म हो जाते हैं। हम क्यों लगातार चल रहे हैं 9.5 साल से बाबा? इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक साला तैयार रहता है सामने। मैं हमेशा सोचता था अभी डिजायर ले ली, अभी खत्म, भाई सब बढ़िया हो गया। क्यों? ऊंट गाड़ी वाले परिवार में डिजायर आ जाए कम बात है, लेकिन BMW तैयार। और मुझे पता है मैं जिनकी संगत में हूं इसको लेते ही मेरे को बता देंगे कि अभी क्या करना है, और मैं जानता हूं हमेशा हर चीज को समझता हूं कि मुझे चाहिए वो, मुझे बता दे पीछे पढ़ना मेरे को आता ही है, मैं जानता हूं। कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते, क्योंकि मूड बनता है तो कर लेते हैं, और मूड नहीं बनता तो अब उनका मूड बने बने नहीं बने है भाई। जिनका परमानेंट मूड बना रहता है मेरी तरह, उनके पास गोल होते हैं। तो दोस्तों या तो गोल होंगे या जिंदगी गोल मोल होगी, तो गोल बना लो अपने। क्या क्या गोल हो सकते हैं आपके, किस हिसाब से? ऐसा नहीं कि सर आपने बता दिया तो अभी बना लेते हैं कि 6 महीने में सर देखो हेलीकॉप्टर चाहिए, या 4 महीने में डायमंड बनाओ सर, कैसे भी बनाओ सर, ना तरीके से होने चाहिए। पहले दिन मैंने BMW का ड्रीम नहीं लगाया था। 3 तरीके मुझे मेरे आदर्शों ने बताए थे जो मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक मिडिल टर्म, एक लॉन्ग टर्म। बोल नहीं सर शॉर्ट वोट के चक्कर में मत पड़ो, आप तो लॉन्ग वाले बताओ ना, क्या है सर आपके पास? आप मुझे बताइए 10वीं मंजिल पे जाना है तो पहली पे कदम रखना पड़ेगा सीढ़ी पे, फिर दूसरी पे रखना पड़ेगा, फिर तीसरी पे रखना पड़ेगा, तभी पहुंचेंगे ना? पहला कदम ही साली 10वीं पे होना चाहिए। तो एक वो डायलॉग है,
कि एक बेटा बोला अपनी माँ से कि माँ मेरा एक कदम धरती पे होगा दूसरा आसमान पे होगा। बोला बेटा एक ही कच्छाई से भी फाड़ेगा क्या? नहीं। तो तरीका सही क्या है कि तरीके से चलिए। और मैं आपको बताता हूं छोटे छोटे ड्रीम पूरे करते हुए।